अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही बेटे सबको मेरी? हेलो। यस सर, आ रही है। अच्छा बेटा, इस सेशन का जो फॉर्मेट है वो यही है कि आपने क्वेश्चन पूछने हैं पहले 6 लेक्चर्स में से, और मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है कि आपने मुझे लेक्चर नंबर बताना है, स्लाइड नंबर बताना है, ताकि मैं वो खोल के आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दूं और फिर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। तो जिसका भी क्वेश्चन है प्लीज शुरू करें। हेलो। सर अभी बच्चे आ रहे हैं। जो अभी तक मौजूद हैं आप क्वेश्चन शुरू कर दें, मैं रिकॉर्ड करके ना इसको यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, ताकि जो बाद में ज्वाइन कर रहे हैं वो बाद में इसको देख सकें। बाद में जी बेटा, काफी लोग आ चुके हैं, क्वेश्चंस जो भी हैं शुरू करें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम। ये जो सर तीसरा लेक्चर था, एक में इक्विवेलेंस स्लाइड पे स्लाइड नंबर 5। ठीक है, मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। स्लाइड नंबर क्या, 3 आपने बोला? सर 5 और 6। 5 और 6। बेटा इक्विवेलेंस का मतलब ये है कि दो प्रोपोजिशंस जो हैं वो आपस में बराबर हैं। ठीक है, बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अल्टरनेटली यूज हो सकती हैं। ठीक है, जिस तरह आपके पास ये एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी है कि साइन ऑफ 2x जो है वो 2 × sin x और cos x के बराबर है, तो जहां पे भी साइन ऑफ 2x लिखा हुआ होगा उसकी जगह पे आप 2 × sin x और cos x जो है वो लिख सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास चीजें होती हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक में। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि नॉट पी डिसजंक्शन क्यू जो है ये इक्विवेलेंट है पी इम्प्लाइज क्यू के। ठीक है, ये हमने ट्रुथ टेबल से भी इसको देख सकते हैं कि ये दोनों, अगर इन दोनों का ट्रुथ टेबल हम बनाएंगे
तो ये बराबर आएंगे। उसके बाद आपने कहा जी के जो लॉज हैं उसके बारे में, फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी का मतलब क्या है, ठीक है, आइडेंटिटी जो है वो रिलेट करती है किसी भी ऑपरेशन के साथ। फॉर एग्जाम्पल ये जो आइडेंटिटी है कि पी एंड ट्रू इज इक्वल टू पी, तो इसका मतलब ये है कि ट्रू जो है ये आपकी आइडेंटिटी है, कंजक्टिव आइडेंटिटी, कि जब आपका ऑपरेशन जो है वो कंजंक्शन होगा तो टी जो है कैपिटल टी जो कि ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक आइडेंटिटी होगा, उसको आप किसी के साथ भी कंजंक्शन कर देंगे तो वही प्रोपोजिशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसको आप मैथमेटिकल आइडेंटिटीज जिस तरह एडिटिव आइडेंटिटी है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं कि जब आप मैथमेटिक्स में जाते हैं या अरिथमेटिक में जाते हैं तो प्लस की जो है वो आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, जीरो है, यानी जीरो को आप किसी भी नंबर में ऐड कर देंगे तो वो जीरो ही रहेगा। लेकिन जीरो जो है वो आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो वन है कि वन को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर जो है वही वापस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो कंजंक्शन की आइडेंटिटी है वो ट्रू है, लेकिन जो डिसजंक्शन की आइडेंटिटी है वो फॉल्स है। उसके बाद है डोमिनेशन। डोमिनेशन का मतलब ये है कि आपके पास कोई चीज जो है वो डोमिनेट कर रही है, लाइक आप किसी भी प्रोपोजिशन को डिसजंक्ट करेंगे ट्रू वैल्यू के साथ, यानी टी कैपिटल टी जो कि ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके साथ उसकी कंजंक्शन करेंगे तो ट्रू आ जाएगा रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ पी, कि पी की चाहे वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है आपका रिजल्ट जो है वो ट्रू के बराबर ही आएगा। इसी तरह जब आप एंड करेंगे फॉल्स के साथ तो आपका रिजल्ट जो है वो हमेशा फॉल्स आएगा रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ पी। उसके बाद है आइडेंपोटेंट। आइडेंपोटेंट में है आपके पास कि आप एक ही प्रोपोजिशन को अपने साथ एंड कर लें या और कर लें, यानी पी एंड पी कर लें या पी डिसजंक्शन पी कर लें तो उसका रिजल्ट जो है वो पी के बराबर ही आएगा। उसके बाद डबल निगेशन है, ये सिंपल है, जिस तरह आप एक नंबर है उसके साथ दो दफा नेगेटिव साइन जो है वो लगा देंगे तो वो दोबारा उसका साइन वही हो जाएगा। इसी तरह किसी भी प्रोपोजिशन को आप निगेट करते हैं और दोबारा निगेट करते हैं तो वही प्रोपोजिशन आपके पास दोबारा आ जाएगा। बेटा आपको समझ लग गई है स्लाइड नंबर 5 पे जो आप पूछ रही थी? Yes, sir. और सर इसके जो एग्जांपल है मैथ 7 पे वो करवा देंगे। 7 पे अच्छा ये एग्जांपल है, इसको जरा एक दफा गौर से देखिए सब बच्चे के, मैं इसको अभी रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। सबसे पहले हमने जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि हमने जो ये वाला प्रूफ है इसको हमने सिंबॉलिक डेरिवेशन के साथ करना है। सिंबॉलिक डेरिवेशन का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विवेलेंसेस हैं उनको यूज करते हुए हमने इसको जो है वो प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि हमने ये प्रूव करना है कि पी एक्सक्लूसिव आर क्यू इज इक्वल टू या इक्विवेलेंट टू पी एंड नॉट क्यू आर नॉट पी एंड क्यू, ठीक है। अब इसके दो तरीके, जब हमने इसको सिंबॉलिकली डिराइव करना है, एक तो ये है कि हम लेफ्ट साइड को लेके चलें और उसको राइट साइड के बराबर प्रूव कर दें, या हम राइट साइड को लेके चलें उसको लेफ्ट के बराबर प्रूव कर दें, या हम दोनों को अलग अलग सॉल्व करें और एक कॉमन चीज के ऊपर पहुंच जाए, ठीक है। तो अभी हम ये कर रहे हैं कि हम राइट साइड को लेके चल रहे हैं, ठीक है, कि राइट साइड हमारे पास क्या है, पी एंड नॉट क्यू आर नॉट पी एंड क्यू, ठीक है। अब जब हम इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने क्या लगाया, किस तरह से लगाया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास डिसजंक्शन है और ब्रैकेट के अंदर आपके पास कंजंक्शन है, ठीक है। तो जब इस तरह का सिनेरियो हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप करेंगे कि ये पूरा एक्सप्रेशन डिसजंक्शन नॉट पी एंड ये पूरा एक्सप्रेशन फिर और डिसजंक्शन क्यू, ठीक है। तो यही हमने किया है कि पूरा एक्सप्रेशन पी एंड नॉट क्यू डिसजंक्शन नॉट पी एंड वही पूरा एक्सप्रेशन डिसजंक्शन क्यू, ठीक है। यहां तक आपको समझ लग गई है, किसी को कोई मसला हो तो बता दें। यस सर आ गई है। अच्छा इससे आगे चलते हैं, साथ साथ मैं क्लियर करता जाता हूं ताकि वो जो एनोटेशन है उसको मैं क्लियर कर रहा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है बाय कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का आपको पता है कि उसमें सिर्फ आप जो है वो पोजीशन चेंज कर रहे हैं, लाइक ये वाला जो ऑपरेटर है नॉट पी इसके बाद में आ रहा है और ये वाली चीज पहले आ रही है, तो हम नॉट पी को पहले ले जाएं और उसके बाद ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको बाद में ले जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव लॉ। और यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं कि क्यू बाद में था उसको पहले ले गए, ये एक्सप्रेशन पहले था इसको बाद में ले गए,
ठीक है, और ये वाला जो आपका ऑपरेटर है ये एज इट इज दरमियान में वैसे आ गया। उसके बाद हमने दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम कहाँ पे लगा सकते हैं कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे डिसजंक्शन है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो है वो कंजंक्शन है, इसी तरह यहाँ पे डिसजंक्शन है और ब्रैकेट के अंदर जो है वो कंजंक्शन है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि नॉट पी आर पी एंड नॉट पी आर नॉट क्यू, ठीक है। तो यही चीज जो है वो हमने लिख दी, नॉट पी आर पी एंड नॉट पी आर नॉट क्यू, ठीक है। इसी तरह ये वाली जो राइट साइड है इसमें हमने क्या किया, क्या लिख सकते हैं, क्यू आर पी यानी क्यू डिसजंक्शन पी एंड क्यू डिसजंक्शन नॉट क्यू, ठीक है। तो राइट साइड पे हमने ये लिख दिया कि क्यू आर पी एंड क्यू आर नॉट क्यू, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है पी आर नॉट पी ये किसके बराबर है। मैं दोबारा इसको क्लियर करके दोबारा से आपसे पूछता हूँ कि पी आर नॉट पी या नॉट पी आर पी जो है ये किसके बराबर होगा। इसको हमने पढ़ा है कि ये ट्रिवियल टाटालोजी होता है, ठीक है, कि पी आर नॉट पी फॉर एनी प्रोपोजिशन पी जो है ये ट्रू के बराबर होता है। इसी तरह क्यू आर नॉट क्यू जो है ये भी आपके पास ट्रू के बराबर होगा। तो इन दोनों प्रोपोजिशंस को हमने ट्रू से रिप्लेस कर दिया, लाइक यहाँ पे भी हमने नॉट पी आर पी के जगह पे भी ट्रू लिख दिया और नॉट क्यू आर क्यू की जगह पे भी हमने ट्रू लिख दिया, बाकी सारी चीजें जो है वो हमने वैसे ही लिख। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें कि ट्रू एंड ये एक साइड पे ट्रू है एंड सम प्रोपोजिशन सम कंपाउंड प्रोपोजिशन, तो किसी भी कंपाउंड प्रोपोजिशन को जब हम कंजंक्ट करते हैं ट्रू के साथ तो वही प्रोपोजिशन वापस आ जाती है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों जगह पे यही कर रहे हैं कि क्यू आर पी है और साथ उसके कंजंक्ट हो रहा है ट्रू वैल्यू, तो जब दोनों जगह पे ट्रू वैल्यू हो रही है तो हम एक ही काम करेंगे कि ये आइडेंटिटी है, ये जो कंजंक्शन है ये वाली, इसका रिजल्ट क्यू आर पी के बराबर आएगा और इसका रिजल्ट जो है वो नॉट पी आर नॉट क्यू के बराबर। तो यही हमने लिख दिया कि पहले की जगह पे नॉट पी और नॉट क्यू लिख दिया और दूसरे की जगह पे हमने क्यू आर पी लिख दिया, ठीक है। याद तक क्लियर है सब बच्चों को? यस यस सर। जी जी बोलिए। अच्छा इससे आगे मैं चल रहा हूं फिर। अब ये वाली जो चीज है यहाँ पे देखिएगा कि नॉट पी और नॉट क्यू है, इसको अगर हम डिमॉर्गन ला के तहत देखेंगे तो उसमें से अगर हम निगेशन का साइन जो है इसको बाहर लेके आना चाहेंगे तो आपका जो डिसजंक्शन है ये कंजंक्शन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और निगेशन का साइन जो है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। ये क्यों इस वजह से है, ये डिमॉर्गन ला की वजह से, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया और जो राइट साइड थी उसको हमने बिल्कुल उसी तरह से छोड़ दिया, उसको हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने कहा जी कि कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ के तहत हमने ये एंड से जो पहले वाली चीज थी उसको बाद में लिख दिया और जो पहले वाला एक्सप्रेशन था उसको बाद में लिखा और बाद वाले को हम पहले ले, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन पे पहुंच गए, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ये एक्सप्रेशन जो है वो आगे किस तरह से चलता है। सर अगर हम एक भी लाइन मिस कर दें तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा? बेटा एक भी लाइन मिस करेंगे तो गलत हो जाएगा, इस तरह को मैं इस तरह से नहीं देखता कि एक लाइन मिस करने से, बेसिकली आपने एक लॉजिकल स्टेप्स के जरिए आगे लेके चलना है, आपने ये देखना है कि आपके कौन से लास्ट जो है वो एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो मार्किंग जो है वो एक डिफरेंट चीज है। अभी आप मार्किंग की तरफ ना सोचे, अभी आप चीजों को समझने की लिहाज से सोचे। नहीं जैसे सर अगर हम बाय कम्युनिकेटिव पहले कर दें और डिस्ट्रीब्यूटिव वाला बाद में कर दें तो इसमें कोई इश्यू तो नहीं? बेटा अगर तो आप जो है वो लास्ट को अप्लाई करते हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव कम्यूटेटिव लगा देते हैं बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देते हैं और वो लास्ट जो है वो वैलिड ला है तो आपका रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं होगा। सर यही तो हमें कैसे पता चलेगा वैलिड है कि नहीं है? वो जो लिस्ट है आपके पास रूल्स की, जो आइडेंटिटीज की लिस्ट है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, कम्यूटेटिव लॉ क्या है, डिमॉर्गन्स लॉ क्या है, आइडेंटिटी क्या है, आइडम्पोटेंट क्या है, तो ये लिस्ट आपके पास होगी ना, उससे आप ये देख सकते हैं कि कोई लॉ एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने क्रॉस चेक करना है सिंपल टेबल लुकअप। ओके सर थैंक यू।
तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने जो है वो P एंड नॉट Q जो है इसको डिफाइन किया है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ अदर ऑपरेटर्स। लाइक हमने ये कहा कि P एंड Q को मैं कह रहा हूँ कि P एक्सक्लूसिव आर, Q को हमने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ दिस ऑपरेटर, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से लेके चले थे, अब ये क्यों आया था इसको समझ लें पहले, कि P एक्सक्लूसिव आर Q की हमने ये डेफिनेशन किस तरह से की। अगर आप इसके ट्रूथ टेबल को जाके देखें तो P एक्सक्लूसिव आर Q जो है वो तब ट्रू होता है जब P ट्रू हो या और Q फाल्स हो, या P फाल्स हो और Q ट्रू हो। उसी चीज को हमने यहाँ स्टेट किया कि या P ट्रू है एंड Q फाल्स है, नॉट Q का मतलब ये है कि Q फाल्स है, आर आपका P फाल्स है एंड Q ट्रू है, और उसको हम डिफरेंट लॉज के तहत जो है वो यहाँ पे सिंपलीफाई करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया कि P एक्सक्लूसिव आर Q जो है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि P आर Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका बेटा? यस सर, हो गया। सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक्चर 4 में है सर, डोमेन ऑफ डिस्कोर्स सर, वो स्लाइड 4। अच्छा, डोमेन ऑफ डिस्कोर्स जो है उसके बारे में बता दो, लेक्चर 4 है। यस सर, स्लाइड नंबर डोमेन ऑफ डिस्कोर्स। अच्छा, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ कि डोमेन जब हम क्वांटिफायर्स यूज करते हैं एसेंशियली ये जो चीज है ये क्वांटिफायर के बारे में या प्रेडिकेट के बारे में से रिलेट कर रही है। तो प्रेडिकेट को थोड़ा सा मैं ब्रीफली डिफाइन करता हूँ कि प्रेडिकेट जो है वो आपका प्रोपोजिशनल फंक्शन है और एक ऐसा फंक्शन है जिसकी अपनी कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं होती अनलेस यू प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ दोज पैरामीटर्स। जो उस फंक्शन के पैरामीटर्स हैं उसको आप कहते हैं कि जब तक वैल्यू नहीं देते तो आपका जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है वो प्रोपोजिशन नहीं होता, वो फंक्शन होता है या उसको आप साइनोनम है उसका कि वो प्रेडिकेट होता है। जब तक आप उसको वैल्यू नहीं देते तब तक वो जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है वो प्रोपोजिशन में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। अब जब हम ये कहते हैं कि P ऑफ x है कोई भी जो कि एक प्रेडिकेट है या प्रोपोजिशनल फंक्शन है, तो उसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू कहीं ना कहीं से तो आनी है, ठीक है। तो वो x की वैल्यू कहाँ से आ सकती है, x की वैल्यू जो है सेट ऑफ स्टूडेंट्स में से आ सकती है, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स में से आ सकती है, सेट ऑफ उर्दू अल्फाबेट्स में से आ सकती है, या रियल नंबर्स में से आ सकती है, या इंटीजर्स में से आ सकती है। तो एक्स की जो वैल्यू पॉसिबल है ना उसको आप कहते हैं कि ये उसका डोमेन ऑफ डिस्कोर्स, ठीक है, या ये उसकी डोमेन। तो ये सिंपल चीज है डोमेन के बारे में। उसके आगे जाके कुछ एग्जाम्पल में मैंने इस चीज को भी एम्फोसाइज किया है कि डोमेन ऑफ डिस्कोर्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि डोमेन जो है वो बाद अफेक्ट करता है कि आपका जो प्रेडिकेट है उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी आपकी प्रोपोजिशन की। अगर आप डोमेन चेंज करेंगे तो आपका जो प्रोपोजिशन है उसकी ट्रूथ वैल्यू चेंज होगी। जी समझ आया बेटा? हेलो जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट स्लाइड नंबर 6 पर सर, ये जो है स्लाइड नंबर 6 ऑफ यूनिवर्सल। यस सर, इसी लेक्चर 4 की। यस सर, लेक्चर 4 की स्लाइड नंबर 6। सॉरी ये मैं पता नहीं कहां पे निकल गया। अच्छा 5 और ये है 6, ठीक है, बोलें सर। इसमें व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ सर, ये जो डोमेन जब एम्प्लीट्यूड से लास्ट पार्ट सर इसकी नहीं समझ आई सर, वो जो क्या नाम है एक्सटेंशियल में उसमें फॉल्स है और इसमें ट्रू है सर, इसकी समझ नहीं आया कि इधर ट्रू क्यों और उधर फॉल्स क्यों है, इधर ट्रू क्यों है और उधर फॉल्स क्यों। बेटे जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जब भी आप किसी के साथ लगाते हैं ना तो उसको ट्रू करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि देयर एग्जिस्ट सम एक्स पी ऑफ एक्स, ठीक है, तो उसको ट्रू कहने के लिए मुझे कम से कम एक वैल्यू डोमेन में से ऐसी चाहिए होती है जिसके अगेंस्ट मैं शो करवा सकूं कि P of X जो है वो ट्रू है। ये डेफिनेशन तो याद होगी आपको। तो जब मेरे पास डोमेन ही एम्प्टी है, एम्प्टी सेट है, X cannot have a value, तो
तो फिर मैं कैसे दिखाऊंगा कि ये वाला एक्स है जिसके लिए आपका पी ऑफ एक्स ट्रू है, ठीक है? तो मेरे पास कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं है जिसके लिए मैं ये कह सकूं कि पी ऑफ एक्स जो है वो ट्रू है, इसलिए मैं उसको कहता हूं कि फॉर सम एक्स पी ऑफ एक्स इज फॉल्स फॉर एम्प्टी डोमेन। अब आ जाते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर के ऊपर, ठीक है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर ये कहता है कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स जो है ये ट्रू होता है जब आपकी डोमेन जो है वो एम्प्टी हो। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्सक्यूज मी, ऐसा इसलिए है कि हम ये कहते हैं कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर के बारे में हमारा रवैया ये है कि हम ये कहते हैं कि ये ट्रू है अनलेस वी फाइंड अ काउंटर एग्जांपल, ठीक है? अब काउंटर एग्जांपल क्या है? काउंटर एग्जांपल एक्स की ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर पी ऑफ एक्स जो है वो फॉल्स हो जाए। अब चूंकि आपकी डोमेन ऑफ डिस्कोर्स जो है वो एम्प्टी है, एक्स कैन नॉट हैव एनी वैल्यू, तो अगर एक्स कोई वैल्यू अज्यूम नहीं कर सकता है तो एक्स की कोई ऐसी वैल्यू भी नहीं हो सकती जिसके लिए पी ऑफ एक्स फॉल्स हो, ठीक है? तो इसलिए हम ये कहते हैं कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स जो है वो ट्रू होता है फॉर एम्प्टी डोमेन्स। बेटा क्लियर हुआ आप लोगों को? ये क्वेश्चन जिसने पूछा था बेटा, क्लियर हुआ आपको आंसर इसका? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर क्वांटिफायर एंड रिस्ट्रिक्शन तो समझा दें। बेटा लेक्चर नंबर बोलिए और स्लाइड नंबर बोलिए। लेक्चर नंबर 4 में है मेरे का, स्लाइड नंबर 12 में है कि 10 पे है क्वांटिफायर एंड डोमेन रिस्ट्रिक्शन। स्लाइड नंबर 10 पे, स्लाइड नंबर 12 सर, स्लाइड नंबर 12 पर आइए। डोमेन रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिफायर एंड डोमेन रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा, जनरली जब हम ये कहते हैं कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, लाइक मैं इसको अलग से लिख देता हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, तो इससे मेरा मतलब ये होता है कि प्रेडिकेट पी ऑफ एक्स जो है दैट इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन, यानी एक्स की जो डोमेन में जो जो वैल्यू हो सकती है उसके लिए पी ऑफ एक्स ट्रू है। लेकिन अगर मैं, मेरी डोमेन ऐसी है जिसको मैं फिल्टर करना चाहता हूँ, लाइक उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि P of X जो है वो डोमेन की कुछ वैल्यूज के लिए ट्रू है, सबके लिए मैं ये क्लेम नहीं करता। लाइक अगर आपके पास X की डोमेन जो है वो रियल नंबर्स है, ठीक है, या इंटीजर्स हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा जो P of X है ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए तो ट्रू है लेकिन नेगेटिव इंटीजर के बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा, ठीक है? तो बेसिकली आप फिल्टर कर रहे हैं, आप अपनी डोमेन को दो हिस्सों में जो है वो तकसीम कर रहे हैं। एक हिस्सा वो है जिसके लिए आप P of X को क्लेम कर रहे हैं कि वो ट्रू होगा, ठीक है? तो इसको लिखने का एक शॉर्ट हैंड वो ये है कि फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो पी ऑफ एक्स, ठीक है? और इसकी एक्सपेंशन क्या है, इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है कि फॉर ऑल एक्स, अगर एक्स जीरो से बड़ा होगा तो आप ये कह रहे हैं कि पी ऑफ एक्स जो है ये। अब ये इस तरह की शक्ल क्यों लेता है कि फॉर ऑल एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो इंप्लाइज पी ऑफ एक्स, और इसी तरह से अगर फिल्टरिंग जो है वो आप एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ कर रहे हैं कि देयर एग्जिस्ट सम एक्स ग्रेटर देन जीरो पी ऑफ एक्स, इसका मतलब ये है अगर हम आपके पास डोमेन ऑफ एक्स जो है इंटीजर्स हैं तो आप ये कह रहे हैं कि देयर इज सम पॉजिटिव इंटीजर जिसके लिए पी ऑफ एक्स ट्रू है, तो उसकी जो फुल फॉर्म है वो इस तरह से हो कि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, देयर इज सम एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड पी ऑफ एक्स। अब ये जो दो फॉर्म है इसके बारे में मैंने डिटेल में एक डिस्कशन की है जिसमें मैंने वो एग्जांपल आपको सॉल्व करके दी थी कि एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज विजिटेड मेक्सिको या सम स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज विजिटेड मेक्सिको। उसमें आपको याद होगा कि उसमें मैंने दो सिनेरियोज जो है वो डिस्कस किए थे। एक सिनेरियो ये था कि आपकी डोमेन जो थी वो सिर्फ उसी क्लास के स्टूडेंट थे, और दूसरे सिनेरियो में आपकी डोमेन जो थी वो पूरी दुनिया के लोग थे, ठीक है? जब आपकी डोमेन पूरी दुनिया के लोग थे तो फिर आप ये कह रहे थे कि एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज विजिटेड मेक्सिको, उसमें आप उसको क्या कर रहे थे, बेसिकली फिल्टर ही कर रहे थे,
यानी पूरी दुनिया के लोगों में से आप कह रहे थे कि एम ऑफ एक्स का मतलब अगर ये था कि एक्स हैज विजिटेड मैक्सिको, तो आप एम ऑफ एक्स को असर्ट कर रहे थे सिर्फ उन लोगों के लिए जो उस क्लास के स्टूडेंट थे, तो बेसिकली वहां पे भी फिल्टरिंग थी। और वहां पे मैंने ये समझाया था कि जब यूनिवर्सल क्वांटिफायर होगा तो आपका ये इम्प्लीकेशन ऑपरेटर क्यों लगेगा और आपका ये एंड ऑपरेटर क्यों नहीं लगेगा। इसी तरह वहीं पे मैंने ये समझाया था कि जब आप इस तरह से कहेंगे कि सम स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैज विजिटेड मैक्सिको और आपकी डोमेन जो है वो पूरी दुनिया के लोग होंगे, तो उस फिल्टरिंग में आपका एंड क्यों लगेगा और वहां पे आपकी इम्प्लीकेशन क्यों नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है मैंने वहां पे डिटेल में समझाई है, उसको एक दफा दोबारा गो थ्रू करें, अगर उसको फिर भी समझ नहीं आ रही तो नेक्स्ट सेशन में आप मुझसे पूछ लीजिए। जी बेटा समझ आई है? जी बेटा समझ आई है? जी सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, लेक्चर नंबर 4 स्लाइड नंबर 15 ये वाला है? यस सर। जी बेटा क्वेश्चन पूछ। तो इसकी मुझे समझ नहीं लगी सर, इसमें हमने ये क्यों यूज किया, डिस्टिंक्शन क्यों यूज किया एंड पर? मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। तो बेटा आपके ख्याल में यहाँ पे क्या आना चाहिए? सर मुझे स्टेटमेंट की मुझे स्टेटमेंट की समझ नहीं लगे। अच्छा हम ये कह रहे हैं कि एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास है, स्टूडेंट इन दिस क्लास है। आवाज इको कर रही है? जी सर इको कर। मैं इस तरह करता हूँ कि मीटिंग इसी को डिस्टर्ब करता हूँ। जी सर बहुत ज्यादा।